दोस्तों आप सब जान रहे हैं मणिपुर को हिंसा की आग ने तबाह कर दिया। आखिर मणिपुर में क्यों भड़की हिंसा, क्या है इसकी वजह? पूरी जानकारी के लिए कम समय में अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं साजद निसार, स्वागत करता हूं आपका खबरपुरी में। मैताई समुदाय के अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल करने की आगरा पर 4 सप्ताह के अंदर विचार करने को कहा था। इसी के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर में चूराचंदपुर जिला में आदिवासी एकजुटता रैली का आयोजन किया था। हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें शामिल होकर प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक हो गई। हिंसक होने की वजह है नॉन शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब का आपस में भिड़ना। दरअसल मणिपुर में शेड्यूल ट्राइब और नॉन शेड्यूल ट्राइब के बीच मनमुटाव बहुत पहले से रहा है, जो सरकार के इस फैसले से भड़क गया है। शेड्यूल ट्राइब लोगों का कहना है कि मैताई समुदाय की आबादी मणिपुर में लगभग 53% से अधिक है। अगर सरकार मैताई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल करती है तो इससे सरकारी नौकरी और दूसरे आदि क्षेत्र में शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोगों को बहुत नुकसान होगा और सारा फायदा मैताई के लोगों के हिस्से में चला जाएगा। वहीं मैताई समुदाय का कहना है मणिपुर के पहाड़ी एरिया में मैताई लोगों को घर बनाने की अनुमति नहीं है, जबकि दूसरे समुदाय के लोगों को कहीं भी घर बनाने की अनुमति है, जिससे प्लेन एरिया में रहने वाले मैताई को नुकसान है, क्योंकि मणिपुर में प्लेन एरिया लगभग 28% ही है। हालांकि मैताई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले कमेटी का कहना है कि उन्होंने सरकारी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए ऐसी मांग करा है। हालांकि हिंसा को कंट्रोल में कर मणिपुर को जलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सेना और असम राइफल्स के जवान तैनात हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों मैताई समुदाय की इस मांग पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।